यूजली ये सोचा जाता है कि ऑयली स्किन चूंकि ऑलरेडी ऑयली है, ऑलरेडी मॉइस्चराइजर है, तो उसके ऊपर मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब आप क्लिनजिंग करेंगे, टोनर अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपकी कम्प्लीटली वॉश आउट हो जाएगा, फेस आपका ड्राई हो जाएगा और उसका स्टिंगिंग सेंसेशन आपको आना शुरू हो जाएगी, तो वो ज़्यादा सन डैमेज का भी चांस आता होगा। सो आपने मॉइस्चराइजर भी ज़रूर अप्लाई करना है, बट आपने उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक कर लेने हैं। लाइक आपने वाटर बेस्ड लेना है, ऑयल बेस्ड क्लिनजर नहीं लेना, जिसके ऊपर नॉन कोमिडोजेनिक लिखा हो वो अलग मॉइस्चराइजर लेना है, और जिसकी कंसिस्टेंसी आप अगर चेक कर लें तो वो थिक ना हो, थिक कंसिस्टेंसी हो, और अगर उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड या विटामिन ई हो तो इट्स बेटर। अच्छा, अगर आप मॉइस्चराइजर को आपको लग रहा है कि वो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा, तो आप सिंपली हाइलुरोनिक एसिड सीरम भी यूज़ कर सकते हैं इन रिप्लेसमेंट ऑफ दिस मॉइस्चराइजर।